वेलकम एवरीवन। आज हम राज्य व्यवस्था में संविधान सभा से जितने आए हुए क्वेश्चन हैं उसको हम लोग हल करेंगे। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा उत्तर होगा ए का, पहला का ए, यानी महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में उद्गार व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो पहला का उत्तर होगा हमारा ए, यानी महात्मा गांधी। दूसरा क्वेश्चन है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ए एमेंदा, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो दूसरा का उत्तर होगा हमारा सी, यानी मोतीलाल नेहरू ने 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से मांग की कि भारतीय के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तीसरा क्वेश्चन है कि संविधान सभा का विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एम एन राय, डी महात्मा गांधी। तीसरा उत्तर होगा हमारा सी, एम एन राय द्वारा संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। चौथा क्वेश्चन है, इस संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी एम एन राय, डी जवाहरलाल नेहरू। तो चौथा का उत्तर होगा डी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पांचवा है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो ए 1928, बी 1931, सी 1936, डी 1942। तो ये पांचवा का उत्तर होगा हमारा सी, यानी 1936 में कांग्रेस ने बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण करने की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। अब अगला क्वेश्चन है छठवां, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी वल्लभ भाई पटेल। तो ये छठवां का हमारा उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू, यानी छठवां का बी। सातवां चलते हैं, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान के निर्माण करेगी। ए लिप्स योजना, बी वेवल योजना, सी कैबिनेट मिशन योजना, डी माउंटबेटन योजना। तो हमारा क्या होगा सातवां का उत्तर, क्रिप्स योजना, क्योंकि 1942 में हम जानते हैं कि क्रिप्स योजना आई थी और इसने यह प्रस्ताव दिया कि युद्ध जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो सातवां का उत्तर होगा हमारा क्रिप्स योजना, और क्रिप्स योजना कब आई थी 1942 में, यह भी याद कर ले लो। दो क्वेश्चन हो गया। आठवां क्वेश्चन अब देखते हैं कि संविधान सभा का गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी। सबसे पहले तो ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अंबेडकर, डी बाल गंगाधर तिलक। तो आठवां उत्तर होगा हमारा बी, डी, यानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में प्रस्तुत की गई थी। आठवां उत्तर होगा हमारा डी। अब चलते हैं नवे क्वेश्चन पे। नौवा है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी भारतीय डोमिनियन की प्रांतीय राज विधानमंडल के प्रस्ताव। तो हमारा होगा नौवां का बी, यानी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लें। और कैबिनेट मिशन में तीन सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे लॉरेंस और अन्य सदस्य थे क्रिप्स तथा अलेक्जेंडर। तो ये भी याद कर लें कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तीन सदस्य, कौन कौन, लॉरेंस, क्रिप्स तथा अलेक्जेंडर, जिसमें लॉरेंस क्या थे अध्यक्ष थे। और कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 में भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। अब अगला चलते हैं दसवां क्वेश्चन, भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिस्प प्रस्ताव, सी माउंटबेटन योजना, डी कैबिनेट मिशन योजना। तभी मैंने बताया कि भारत का संविधान सभा का गठन जो हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था। तो दसवां का उत्तर होगा हमारा डी। ग्यारहवां क्वेश्चन चलते हैं, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। ए कानपुर, बी मुंबई, सी फैजपुर, डी लाहौर। तो 11 का उत्तर होगा हमारा सी, यानी फैजपुर में 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। तो 11 का उत्तर होगा हमारा सी। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे।
यानी कैबिनेट मिशन 1946 में संविधान सभा में कितने सदस्य को रखा जाना था, ए 389, बी 409, सी 429, डी 505। तो 12 का उत्तर होगा हमारा ए, यानी 389 सदस्य कैबिनेट मिशन योजना के तहत होने 389 सदस्य होने थे, और 389 सदस्यों में 296 जो सीटें थी ब्रिटिश भारत को तथा बची 93 सीटों में देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। अब 296 सीटें थी उसमें से 292 जो सदस्य थे उनका चयन 11 गवर्नर के प्रांतों से होना था और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से होना था। तो इस प्रकार कुल सीटें हो गई 292 प्लस 4 यानी 296 प्लस 93 सीटों, कुल मिला के 389 सीट कैबिनेट मिशन योजना के तहत आवंटित हुई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तेरा है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था, ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, डी उपयुक्त सभी। तो 13 का उत्तर होगा हमारा डी यानी उपयुक्त सभी। हम देख रहे हैं पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि क्या होता, संविधान सभा में 389 सदस्यों का चुनाव होना था जिसमें 292 प्रतिनिधि थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे और देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और 4 कमिश्नरी प्रांतों के थे, इसलिए हमारा 13 का उत्तर होगा डी यानी उपयुक्त सभी। 14 क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस से कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे, यानी जो 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था उसमें कितने कांग्रेस के प्रतिनिधि चुन के आए थे, ए है 195, बी 208, सी 225, डी 235। तो इसका उत्तर होगा 14 का हमारा बी यानी 292 सदस्यों में से 208 जो सदस्य थे वो कांग्रेस से चुन के आए थे, और ये भी जान लें कि 73 सदस्य जो थे वो हमारे मुस्लिम लीग से चुन के आए थे। तो 14 का उत्तर होगा हमारा बी। 15 क्वेश्चन देखते हैं, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, ए 289, 299, 324, डी 333। तो इसका 15 का उत्तर होगा हमारा बी यानी 299, यानी एक बार जो पाकिस्तान और भारत जब अलग हो गया तो संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, तो इसलिए अब सदस्यों की संख्या स्वाभाविक घटेगी, तो 389 से घट के हमारा कितना हो गया था, 299 सदस्य हो गए थे। तो 15 का उत्तर होगा हमारा बी। 16, संविधान सभा पुनर्गठन में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, तो चूंकि अब संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था और भारत पाकिस्तान अलग किया गया था इसलिए सीटों की संख्या 299 हो गई थी, तो निश्चित था कि देशी रियासतों की भी संख्या घटेगी, तो देशी रियासत जो पहले 93 थे अब उनके लिए आवंटित सीटें हो गई थी हमारी 70। तो 16 का हमारा उत्तर होगा बी यानी देशी रियासतों के लिए संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद सीटों की संख्या हमारी 70 हो गई थी। अब 17वां क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, 208, 229, 249, 289। तो हमारा इसका उत्तर होगा 229, क्योंकि जब पुनर्गठन हो गया था तो क्या हुआ था कि प्रांतों के लिए भी प्रतिनिधियों की संख्या घटनी थी, तो जो पहले हमारा कितना था 292 था, अब क्या हो गया घट के 229 हो गया। इस प्रकार 389 सदस्यों से जब हमारा संविधान का पुनर्गठन हुआ तो सदस्यों की संख्या हो गई 299, जिसमें 229 सदस्य विभिन्न प्रांतों से थे और उसके अलावा 70 सदस्य देसी रियासतों के थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं 18 क्वेश्चन पे कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मातृ परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, ए 8 लाख, बी 10 लाख, सी 12 लाख, डी 17 लाख। तो 18 का उत्तर होगा हमारा बी यानी 10 लाख पे एक प्रतिनिधि का चुनाव होना था, तो 18 का उत्तर होगा हमारा बी। हम 19 क्वेश्चन पे चलते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, ए प्रांतों की विधानसभा, बी संधि व्यवस्थापिका, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 का उत्तर होगा हमारा ए यानी प्रांतों की विधानसभा के जो सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक तरह से अप्रत्यक्ष चुनाव था और जनता के द्वारा नहीं किया गया था बल्कि प्रांतों के जो विधानसभा के जो सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था और 389 जो सदस्य थे उनका जो उसमें से 292 सदस्यों का चुनाव और प्लस 4 सदस्यों का चुनाव करके इन्होंने भेजा था। तो 19 का उत्तर होगा हमारा ए। 20वां होगा, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सबसे अधिक थे, ए बंगाल, बी चेन्नई, सी मुंबई,
डी संयुक्त प्रांत। तो 20 का उत्तर होगा हमारा डी, यानी संयुक्त प्रांत के संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ए जूनागढ़, बी कश्मीर, सी हैदराबाद, डी मैसूर। तो 21 का उत्तर होगा हमारा सी, यानी हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे देशी रियासत के, वो संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। अब अगला क्वेश्चन है 22वां कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालिक मध्य भारत से, डी पंजाब से। तो 22 का उत्तर होगा हमारा पश्चिम बंगाल से। और ये पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था कि जब पाकिस्तान अलग हो गया तो ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा जो था वो बांग्लादेश में चला गया, इसलिए अंबेडकर को पुनः बम्बई प्रेसिडेंसी में क्या किया गया था कि जो पुणे जगह थी वहाँ पे एक थे कांग्रेस के प्रत्याशी एम आर जयकर को क्या कराया गया, इस्तीफा दिलवाया गया तथा उनके स्थान पर इनको पूरा उपचुनाव करा के लेके आया गया था। तो ये भी पूछ सकता है कि जब पाकिस्तान अलग हो गया तो भीमराव अंबेडकर को फिर कहाँ से चुना गया था। तो पहले तो पश्चिम बंगाल से चुना गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल क्या हुआ कि चला गया पाकिस्तान में जो बांग्लादेश का हिस्सा है, तो उसके बाद इनको क्या किया गया था कि बम्बई प्रेसिडेंसी में पूरा पुणे से चुन के आए थे। ये भी पूछ सकता है कि पुणे में किसको इस्तीफा दिलवाया गया था, तो एम आर जयकर को इस्तीफा दिलवाया गया था और वहाँ पे पुनः चुनाव करा के कांग्रेस को, मतलब गांधी जी के प्रयास से उनको अंबेडकर को पुनः संविधान सभा में लाया गया था। तो बी का उत्तर होगा हमारा ए, यानी पश्चिम बंगाल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। 23 है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। ए मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। बी मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। सी मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। डी उपयुक्त सभी। तो 23 का उत्तर होगा हमारा सी, यानी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए उसने क्या किया था कि संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो 23 का उत्तर होगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है 24वां कि संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ। ए समान मताधिकार, बी सर्व मताधिकार, सी सीमित मताधिकार, डी वर्गीय मताधिकार। तो 24 का उत्तर होगा हमारा डी, यानी वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है 25 कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, डी कांग्रेस और मुस्लिम द्वारा नामित। तो हमारा 25 का उत्तर होगा बी, यानी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, क्योंकि जनता के द्वारा प्रांतीय जो विधानमंडल थे उसके सदस्य चुना गए थे और वो उन सदस्यों ने क्या किया था कि संविधान सभा के सदस्यों को, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। तो इस प्रकार ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। तो 25 का उत्तर होगा हमारा बी। 26 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ए प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, सी गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, डी वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो 26 का उत्तर होगा हमारा बी, यानी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया था। अब अगले चलते हैं 27 क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया। संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, सी भारतीय संसद ने, डी गवर्नर जनरल ने। तो 27 का उत्तर होगा हमारा ए, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। अब 28वां क्वेश्चन है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। ए 1945 में, बी 1946 में, सी 1947 में, डी 1948 में। तो संविधान सभा के लिए चुनाव किस में संपन्न हुए थे, तो बी यानी 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे। तो 28 का उत्तर होगा हमारा बी। अब 29 क्वेश्चन चलते हैं भारतीय संविधान सभा का स्थापना कब हुई थी। ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 दिसंबर 1949। तो हमारा 29 का उत्तर होगा यानी बी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी और 9 दिसंबर 1946 को ही इसकी प्रथम बैठक हुई थी। तो 29 का उत्तर होगा हमारा बी, यानी 9 दिसंबर 1946। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं 30वां क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी लाहौर में, डी दिल्ली में। तो 30वां का उत्तर होगा हमारा डी, यानी दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 31वां संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ए जवाहरलाल नेहरू,
बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी भी राव अम्बेडकर, डी सी राजगोपाचारी। तो हमारा 31 का उत्तर होगा बी, यानी सच्चिदानंद सिन्हा ने उद्घाटन अधिवेशन जो क्या हुआ था कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो 31 का उत्तर होगा हमारा बी, यानी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है 32 की संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, यानी पहली बैठक कब हुई थी। ए 16 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1948, सी 9 दिसंबर 1946, डी 26 नवंबर 1946। तो संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946, यानी 32 का उत्तर होगा हमारा सी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था और इसी सत्र में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो 32 का उत्तर होगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ए भीमराव अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी के एम मुंशी। तो 33 का उत्तर होगा हमारा सी, यानी सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। तो 33 का उत्तर होगा हमारा सी। अब आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।